हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। दीदी का घर से आने के बाद कल रात से रिद्धि का बहुत तेज़ बुखार है। मैं उसको दवाई भी दी हूँ लेकिन छूट नहीं रहा है, तो मैं सुबह में उठ के डॉक्टर के पास नाम लिखा दी, उसको लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। असल में प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कहीं बाहर जाने से ना हवा पानी तो चेंज होता है, तो बच्चा लोग ना अच्छे से सूट नहीं कर पाता है, और खाने का भी थोड़ा चेंज होता है। जैसा घर में उसको खिलाते हैं वैसा बाहर में थोड़ा बहुत चेंज भी होता है, और दीदी का घर में फास्ट फूड भी खाई हूँ, उसको भी थोड़ा बहुत खिलाई हूँ, तो उसका ना हजम में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मतलब एसिडिटी हो गया था पूरा पेट में, तो इसीलिए बुखार आ गया था। डॉक्टर भी दिखा ली, दवाई भी ले ली, फिर जा रही हूँ गाड़ी से। फिर जाते टाइम ना मुझे अनारस दिखा, तो इस सीजन में अनारस एक बार भी नहीं खाई। दाद भैया को बोली कि अनारस ले लेने के लिए, और एक पीस मैं खाई, मुझे बहुत भूख लग गया था, लेकिन बहुत मीठा था अनारस और थोड़ा बहुत खट्टा, मतलब खट्टा मीठा का कॉम्बिनेशन। और पता है मैं कहाँ खड़ी हूँ, ये होप नर्सिंग होम है, इसके पास ही खड़ी हूँ। रिद्धि मेरा यहीं पे हुआ था, तो ये देखकर ना मुझे पहले का याद सब ताज़ा हो गया था। रिद्धि को लेके मैं यहाँ से गई थी, कितना छोटा था रिद्धि, सब याद आ गया। और रिद्धि के लिए डाब भी ली हूँ, नारियल पानी जिसको बोलता है, हम लोग बंगाली में डाब बोलते हैं। और डॉक्टर ने इतना सारा दवाई दे दिया, अब इसको तो अच्छे से रखना पड़ेगा, इसलिए स्टोरेज में खाली कर रही हूँ, क्योंकि रिद्धि का जो सब पुराना दवाई था और जो एक्सपायरी फेल हो गया था, और जो कुछ नया था मतलब अभी एक्सपायरी है, वो रख के बाद बाकी सब मैं एकदम से फेंक दूंगी। और इधर भी साफ कर ली हूँ टेबल, क्योंकि इसमें प्राइमर जो है ना, ये जो प्राइमर आप लोग देख रहे हैं ये मेरा नहीं है, ये दीदी का लड़की का जो गिफ्ट खरीद दिए थे हम पर्पल से, वही से फ्री मिला था, तो वो प्राइमर लेके क्या करेगी, इसलिए मुझे दे दी। और उसके बाद फ्लक्स भी देखिए खराब हो गया, इसको भी मैं फेंक दूंगी, एकदम से खराब हो गया। पानी ना गर्म नहीं रहता, ठंडा हो जाता है, तो मुझे एक फ्लक्स फिर भी लेना है, क्योंकि बच्चा है ना, इमरजेंसी के लिए पानी, गर्म पानी बहुत ज़रूरत होता है। और कितना गंदा हुआ है देखिए, रिद्धि का वाइप से मैं सब पोछा लगा रही हूँ, और ये सब देखिए पूरा एकदम से मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ। ये जो दवाई है ना थर्मोफॉप जेल, वो रिद्धि का जब टीका लगता था ना, तब उसके चारों ओर देने का था, मतलब उसे दर्द कम होता था, लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि एक्सपायर है अभी भी इसका एक साल, लेकिन कोई काम नहीं है, और रिद्धि कभी भी मुंह पे ले लेता है, इसलिए मैं इसको भी फेंक रही हूँ। और ये है मेरा बेटा, थोड़ा सा तबीयत ठीक होते ना होते भाग रहा है। पहले मैं मम्मी के लिए ना आइसक्रीम लाई थी, आज एक हफ्ता हो गया मम्मी खाई भी नहीं, फ्रिज में था, थोड़ा सा गल गया, तो इसको अब कोई खाएगा नहीं, तो मैं कुत्ते को खिलाने जा रही हूँ। ओट गुनु, ओट ओट उठे बस, ओट ओट और ये है मेरा घर का कुत्ता, इतना बदमाश है ना, कोई घर पे आएगा ना वो जब तक घर से नहीं निकलेगा तब तक वो भौ 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 करते रहता है, समझता ही नहीं है। इतना समझाते हैं फिर भी नहीं समझाता कि घर का है, घर का है, चुप हो जा, बट चुप ही नहीं होता है। और आइसक्रीम है एकदम मौज से खाता है, आइसक्रीम बोलिए, अंडा, मांसो, सब मौज से खाता है। तो आइसक्रीम देखिए कैसे खिला रहे हैं हम उसको, हाथ से पकड़ के ना एकदम से जीभ से सपा चट कर देता है, और रिद्धि बैठे बैठे देख रहा है, और ढक्कन भी ना उसके सामने गिरा हुआ था, ये वाला ढक्कन, तो मुझे तो डर लग रहा था कि ढक्कन उठा के ना वो अपने मुँह पर ले ले, तो बस वही हुआ, देखिए खींच रहा है ढक्कन, उठा के अपने मुँह पर लेने ही वाला था, तब तक मैं फोन ना फिर काट के उसको अच्छे से संभाली हूँ, मुझे लग ही रहा था ये भी वही हाल करेगा। I don't know.